तो हम जा रहे हैं सुल्ताना डाकू के किले पर, जो कि बहुत ही अच्छी वहाँ पर रौनक हो रही है इस वक्त रात में, तो रात में ही जाने का मौका है, तो हम जा रहे हैं सुल्ताना डाकू किले पर। चलिए चलते हैं सुल्ताना डाकू के किले पर। फ्लाईओवर के पास, जो कि काफ़ी गाड़ियां आ रही जा रही है यहाँ पर। हम जा रहे हैं फ्लाईओवर के ऊपर से किले की ओर जाते हुए, तो हम गए नहीं जब से वहाँ पर लाइटें लगी है, और कितनी खूबसूरत लाइटें लगी है किले पर, वो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। तो हम ये फ्लाईओवर के ऊपर चल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हम कोशिश करते हैं अपने सुल्ताना डाकू किले पर पहुँचने की। हम ये किले के बिल्कुल करीब पहुंच गए, कैसी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर। काफ़ी पब्लिक आ चुकी है यहाँ पर देखने के लिए। देखिए रात का कितना अच्छा हम यहाँ पर लाइट लगा कर कर रखा है, अभी 8 बजे लाइट जलेगी। तो हम यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ गए हैं, अभी 8 बजे यहाँ पर लाइट जलेगी, काफ़ी जल्दी आ चुका है, अभी कम से कम 20 मिनट 8 बजने में, तो हमें पता नहीं था यहाँ पर 8 बजे लाइट जलेगी, तो जल्दी आ गए हम। तो इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा, जब तक लाइट जलती है तब तक के लिए वीडियो ही पॉज कर देते हैं, इतने लाइट जलती है। तो पब्लिक काफ़ी परेशान है यहाँ पे लाइट के इंतज़ार में, कब ये लाइट जलेगी, अभी तक लाइट नहीं जल रही है यहाँ पर, पब्लिक काफ़ी परेशान है। पब्लिक बहुत परेशान है, जल्द से लाइट जल जानी चाहिए। ये बस ये अंदर की जल रही है, गेट के अंदर की, बाकी ये दीवार वाली लाइटें नहीं जल रही इधर की साइड वाली। इस लाइट तो खराब हो गई, घर की डेकोरेशन जो है ना वो चेंज हो गई, खराब हो गई, सेम लाइट थी वो खराब हो गई है, अब कुछ अलग लगाई है, तो उनका भी अलग अलग दिखते थे। जनरेटर चलाया तो देखिए यहाँ पर किले की लाइटें जल चुकी है तिरंगा के लुक में। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ का हमारा नजीबाबाद का किला, सुल्ताना डाकू के जो नाम से मशहूर है, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है इस वक्त, ये जो 15 अगस्त आ रही है उसकी खुशी के लिए। और आप देख सकते हो कितनी पब्लिक आ चुकी है यहाँ पर, और अभी और आने पर ही है पब्लिक, और देखिए वहाँ पर भी काफ़ी पब्लिक है जहाँ पर लाइट जल रही है। तो ये बड़ा दिल खुश हुआ मैंने जो बाद में कि इतना अच्छा करा यहाँ पर तिरंगे की लाइट देकर मैंने जो बाद में, जो कि आज तक पहला कभी नहीं होता, ये 75 साल में पहली बार हो रहा है जो कि इस किले को चमकाया गया है तिरंगे के साथ 15 अगस्त के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और पब्लिक इस वक्त आने पर ही है। और ये हमारे दानिश भाई अपनी बेटी के साथ, तूबा के साथ, जो कि इसको भी दिखाने लाए हैं। ये हमारा इंडिया गेट समझ लो, सुल्ताना डाकू किला, लाल किला, सब हमारे लिए यही है, बहुत ही प्यारा किला है हमारे लिए, पास में ही है हमारे नजीबाबाद के, बहुत ही शानदार किला है।
ये कितनी पब्लिक है पीछे। लिखा रश देखते हुए पब्लिक और बढ़ती हुई, बहुत ही ज़्यादा तादाद में पब्लिक आ रही है। आज 13 अगस्त है और ये किला कितना खूबसूरत लग रहा है। ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, तिरंगे कलर हमारे इंडिया के कलर में। पब्लिक, बहुत ही पब्लिक आ रही है यहाँ पर। किला देख के दिल खुश हो गया ऐसा नज़ारा, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ था। देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर आने के लिए, पब्लिक आने पर ही है। अच्छा तो बस ये अपना ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारा नजीबाबाद का किला कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना अगर आपको हमारा ये किला पसंद आया हो तिरंगे के साथ, जो कि पहली बार हुआ था 70 साल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।